गांव जमुनिया राव जी की नई आबादी में खेत पर बनी झोपड़ी में मिली एक 60 वर्षीय व्यक्ति की लाश पुलिस जुटी जांच में। शनिवार की सुबह मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जमुनिया राव जी की नई आबादी के समीप जंगल के इलाके में खेत पर बनी झोपड़ी में मृत अवस्था में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पर मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक व्यक्ति भंवर सिंह पिता भेरू सिंह राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी जमुनिया राव जी जो मालखेड़ा के मंत्री गोपाल बंजारा के खेत पर झोपड़ी बनाकर चौकीदारी के रूप में काम करता था, जिसके शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान थे जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार घटना बीती रात की बताई जा रही है। रात में किन्हीं अज्ञात बदमाशों द्वारा व्यक्ति के साथ टांगों और पीठ पर किसी सलिए से व अन्य हथियारों से चोटें पहुंचाई गई। वहीं मालखेड़ा जमुनिया राव जी और दांतोली के सरपंच व कई लोग मौका स्थल पर पहुंचे और शव को रोके रखा। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाई, इसके बाद शव को पीएम के लिए मनासा अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की पूछताछ कर रही है। जंगल क्षेत्र नहीं है, गाँव का नाम है हरिपुरा। हरिपुरा में गांव जमुनिया राव जी नई आबादी के भंवर सिंह पिता भेरू सिंह राठौड़ वही रहते थे काफी समय से। तो बंजारा समाज के जो मालखेड़ा में सचिव है गोपाल बंजारा, उसके खेत पे 7-8 भाई है, वो निगरानी करता था, चौकीदारी का काम करता था। इसके बदले में उसको 700-800 रुपये मंथली देते थे शायद वो। पर अभी एक दो महीने से उन्होंने बोला, सचिव ने जैसे टीआई साहब के सामने बोले, अभी आपने इस बार पैसे नहीं दिए, क्योंकि महुए की सीजन थी, महुए बीन बीन के उसका गुजारा करता था। अब कल से उस आदमी को किसी ने मार दिया है, हाथ पैर में चोट लगी है, दोनों पाँव तोड़ दिए, कमर में भी लगी है और जाँच पूरी की है। तो हमने शव वहाँ टीआई साहब को सामने, मंत्री साहब ने बोला है, किसी भील समाज का जो लड़का है तीन सावरा पास के गांव का, उसने कल उस इंसान को 3 बजे तड़पते हुए देखा। रात को? दिन को? दिन में जी। उसने लड़के ने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद गांव में लोगों को कहा, लेकिन फिर भी कोई ले आया नहीं। रात भर वो वही तड़पता रहा, तड़पता तड़पता मर चुका है। अब आज दिन में 12-1 बजे के करीब लोगों को जब पता चला तो लोग इकट्ठे हुए, हम भी गए, हमने वहाँ देखा तो मृत स्थिति में पाया गया और उसको मारा गया है। सलिया भी बरामद हुआ पास में से, तो दोनों पाँव में छेद वेद भी, खून वून भी लगे हुए हैं, घुटनों के वहाँ छेद भी है, घुटने पत्थर वत्थर से भी मारा है, सलिए से भी मारा है। कहाँ के निवासी थे? जमुनिया राव जी नई आबादी के। अभी टीआई साहब आए थे मौके पर, क्या बताया, क्या बोला? हमने डेड बॉडी यहीं रखी हुई थी नई आबादी पर, जाने दी मनासा पोस्टमार्टम के लिए, जब तक वो जिस लड़के ने देखा है अगर उसको कुछ तो कहा होगा कि मेरे को किसने मारा, क्या मेरा पानी पिलाया, तो इसलिए हमने रोक रखी थी। टीआई साहब ने लड़के को बिठा के लिया है गाड़ी में, बोले जो भी जांच होगी हम खुलेआम जांच करवाएंगे।